हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं आपसे सोनीपत के मुरथल के सिंधु पहलवान ढाबे की चना दाल फ्राई की रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। रेस्टोरेंट में, ढाबों में चना दाल को कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इसके अंदर डाला जाता है कि खाने वाला उंगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाता है। पहलवान ढाबा सिर्फ नाम का ही ढाबा है दोस्तों, एक बहुत बड़ा अच्छा खासा रेस्टोरेंट है, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ की हर रेसिपी बेमिसाल है। मैं इनकी और भी रेसिपीज अपलोड करने वाला हूँ दोस्तों। अगर भाई आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलो भाई, शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। सबसे पहले करना क्या है, आप चना दाल को अच्छे से धोकर 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दे। उसके बाद उसको अच्छे से पका ले, बिल्कुल सॉफ्ट हो जानी चाहिए चना दाल। यहाँ पर 3 केजी चना दाल ली है। चना दाल को इन्होंने उबाल लिया था, इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे इस तरह से। ज़्यादा भी मैश नहीं करना है, बस दाल खड़ी खड़ी सी रहनी चाहिए। अब इन्होंने 100 ग्राम सरसों का तेल लिया है, इसको ढाबा रेस्टोरेंट पर पहले ही पका कर रखते हैं ताकि सब्जी बनाते समय ज़्यादा टाइम ना लगे। तेल को अब गर्म होने देंगे। अब तेल गर्म हो चुका है, इसमें 50 ग्राम जीरा डाल दिया है। पहले जीरे को थोड़ा चटकने देंगे। अब इसमें 10 से 15 सूखी लाल मिर्च डाल दी है। लाल मिर्च को जीरे के साथ भून रहे हैं, इससे भाई दाल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब लाल मिर्च को भूनने के बाद इसमें 100 ग्राम बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है। लहसुन को अच्छे से भूनना है। अब इन्होंने 50 ग्राम दरदरा कुटा हुआ अदरक डाल दिया है। अब इसमें इन्होंने बारीक कटा हुआ 1 केजी टमाटर डाल दिया है। सभी चीज़ों को पकाएंगे। अब इन्होंने 100 ग्राम हरी मिर्च डाल दी है, बारीक कटी हुई। मिर्च को आप अपने टेस्ट के अनुसार यूज करें, जितना ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप हरी मिर्च का यूज करें। लाल मिर्च का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। अब इसमें इन्होंने 60 ग्राम नमक यूज किया है, नमक भी आप अपने टेस्ट के अनुसार यूज करें। यहाँ पर सेंधा नमक का यूज किया गया है, इस ढाबे में सफ़ेद नमक का प्रयोग नहीं किया जाता। अब इसमें 50 ग्राम हल्दी डाल दी है, हल्दी को भी मसालों के साथ अच्छे से पकाएंगे। अब इसमें इन्होंने 150 ग्राम प्याज लिया है, इसको पहले से ही भून कर रखा है, आप भी प्याज को अलग से भून कर ले सकते हैं। इसको 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख कर भी स्टोर कर सकते हैं। रेस्टोरेंट ढाबों में प्याज को पहले ही भून कर रखा जाता है, जब भी सब्जी बनानी होती है तो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि ज़्यादा समय ना लगे। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन कलर लग रहा है तड़के का। अब इसमें इन्होंने दाल को डाल दिया है, ऊपर से जो पानी बचा हुआ था उबली दाल का उसे भी डाल दिया है। आप पानी अपने हिसाब से डालें, इसको ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना होता और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना होता, इसको मीडियम रखना होता है, तभी दाल फ्राई खाने का मज़ा आता है। अब इसको पकने देते हैं। अब दाल में उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन दाल बनी है। बाद में जब सर्व करनी हो तो इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डाल देते हैं, अगर पहले डाल देंगे तो फिर धनिया काला पड़ जाता है। ढाबा रेस्टोरेंट में दाल फ्राई इसी तरह से बनती है, बाद में जब ऑर्डर आता है तो इसको गर्म करके धनिया डालकर सर्व करते हैं। आप भी इस रेसिपी से घर पर दाल फ्राई बनाकर जरूर खाएं, बिल्कुल ढाबे वाला टेस्ट आएगा। अब दाल को एक बाउल में निकाल लिया है, ऊपर से धनिया और क्रीम से गार्निशिंग कर दी है। अब दाल ऑर्डर के लिए तैयार है जी, आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन दाल बनकर तैयार हुई है।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों, और अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दें, और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही शानदार रेसिपी के साथ। गुड बाय दोस्तों।